हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे टू डेली फार्मेसी के डोर सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 50 एम सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एंड रेफरेंस बुक से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so, पहला क्वेश्चन है प्रोटीनस आर पॉलीमर्स ऑफ तो so, प्रोटीन्स जो हैं वो आपके अमाइनो एसिड से बने होते हैं ठीक है बेसिक यूनिट जो है वो आपकी अमाइनो एसिड होती है डिफरेंट अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं इसमें आपके जो एल अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एल अल्फा अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं सो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड मोनोमर्स आर और टुगेदर बाय द तो जो अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो ऑप्शन आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स परपेचुअल बॉन्ड्स कोबलेंट बॉन्ड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स सो दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी एन ए स्टैंडस हो तो डी एन ए की फुल फॉर्म क्या है सो ऑप्शनस आर डेक्सट्रोज राइबो न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइट एसिड डी ऑक्सी राइवो निकोटिनिक एसिड और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सीराइवो न्यूक्लिक एसिड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी में इंक्लूड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की क्या है सो नॉन फार्माकोलॉजिक मीन्स विदाउट ड्रग सो इसमें आपकी स्मोकिंग सेशन पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स अवॉइडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इरेटेंट्स और ऑल ऑफ़ द अब सो ये डिफरेंट जो है ये सारी की सारी आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आती हैं ऑफ क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव पलमरी डिजीज स ऑप्शन डी विल भी द करेक्ट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल कॉम्प्लीकेशन ऑफ अनकट्रोल्ड हाइपर टेंशन अनकट्रोल्ड हाइपर टेंशन की पोटेंशियल कम्यून कॉम्प्लिकेशन इनमें से कौन सी नहीं है सो स्ट्रोक हार्ट अटैक ओस्टियोपोरोसिस और किडनी फेलियर सो अमंग दीज ओस्टियोपोरोसिस जो है इट इज़ नॉट अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपर टेंशन ये बोन के साथ रिलेटेड है सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ स्टाइल चेंज इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग हाइपर टेंशन हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल चेंज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है तो so फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देन स्मोकिंग सेशन और इंक्रीज सोडियम इंटेक सो इंक्रीज्ड सोडियम इंटेक जो है इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड लाइफ स्टाइल चेंज फॉर मैनेजिंग हाइपर टेंशन क्योंकि अगर सोडियम ज़्यादा इनटेक करेंगे तो हाइपर टेंशन जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा सो इट इज नॉट रिकमेंडेड नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है ग्लाइसिन एलनिन एस्पेराजिन और टाइरोसिन सिंपलेस्ट जो है दैट इज ग्लाइसिन बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें आपकी चार डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे अटैच होती हैं कार्बन के साथ एक आपकी एन एच टू होती है एक आपकी सी ओ एच होती है एंड uh, बाकी दो अगर दोनों ही हाइड्रोजन्स हैं इफ़ बोथ आर हाइड्रोजन देन दिस अमाइनो एसिड बिकम ग्लाइसिन दैट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम ओ टी सी बंस जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन से कैसे डिफरेंट होती हैं सो दे कंटेन मच स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ एक्टिव इन्ग्रीडियंट सो दिस इज इन करेक्ट दे डू नॉट कंटेन डाइज और प्रिजर्वेटिव सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इन करेक्ट दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन ओके सो ओटीसी ड्रग्स को हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है क्योंकि दे आर अनसेफ फॉर यूज विदाउट मेडिकल सुपरविजन सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड दे कैन बी टॉक्सिक दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मत सबसेलिसलेट कैलिन लोप्रामाइड लेक्टोवेसिलस आर द ओटीसी टी फॉर So, these are the different medications. These are also the over the counter medicines which are given without prescription and uh, they are used in which condition? So, options are common cold, hyperacidity, diarrhea, or headache. So, they are used in case of diarrhea. So, option C is correct. Next question hai, The deficiency of protein alone is a symptom of. सो इफ ओनली प्रोटीन इज डेफिशेंट ठीक है सिर्फ प्रोटीन की डेफिशियंसी है सो दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड क्वाश्योरकर सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इफ़ बोथ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ओके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही डेफिशेंट हैं सो दैट विल बी मैरासमस नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन डेफिशंसी डिजीज़ इनमें से विटामिन डेफिशंसी डिजीज़ कौन सा नहीं है चेलोसिस स्कर्बी रेकेट्स चेलोसिस आपके विटामिन बी टू की वजह से स्कर्बी विटामिन सी की वजह से रेकेट्स विटामिन डी की वजह से मेरा या आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है सो दिस इज नॉट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स ऑफ लिपिड रिच फूड स्टफ इज़ बिकॉज ऑफ सो so, लिपिड्स की रेंसिडिटी और लिपिड रिच जो फूड स्टफ्स होते हैं उनकी रेंसिडिटी किस वजह से होती है सो इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज बी विटामिन विटामिन बी फाइव और पेंटोथेनेट एंड इज़ वाटर सॉलेबल सो विटामिन बी फाइव एज पेंटोथेनिक एसिड सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज फॉलिसिन और विटामिन बी नाइन फॉलेसिन और विटामिन बी नाइन कौन सा विटामिन होता है ऑप्शन था लिपोइक एसिड बायोटीन फॉलिक एसिड और पेंटोथेनेट सो दिस वन इज फॉलिक एसिड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड सो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट जो है आ, किस किसके रिगार्डिंग रहता है

ग्लोब फंक्शन ट्यूबुलर फंक्शन और ऑल अफ द अब तो क्लियरेंस टेस्ट आर यूज टू टेस्ट ग्लोबेलर फंक्शन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म टेस्ट एंड गेवेलिन टेस्ट आर परफॉर्म फॉर तो फॉर्म टेस्ट एंड गेवेलिन टेस्ट जो है दीज आर परफॉर्म फॉर वाइल्ड पिगमेंट्स सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसमोलेिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ मेजर्ड इन तो ओसमोलेटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी किन यूनिट्स में मेजर की जाती है या किस टेस्ट में मेजर की जाती है ऑप्शनस आर यूरिन कंसनट्रेशन टेस्ट यूरिन डायल्यूशन टेस्ट एस एड लो टेस्ट और फिनोसल्फोनफथैलीन टेस्ट दट इज़ पी एस पी टेस्ट सो ऑसमोलेटी और स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ मेजर्ड इन यूरिन कंसनट्रेशन टेस्ट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ जी एफ आर ग्लोमेरल फिल्ट्रेशन रेट इज रिक्वायर्ड विच क्लियरेंस टेस्ट इज प्रेफर्ड ठीक है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की एक्यूरेट डिटरमिनेशन करनी होती है उस केस में कौन सा क्लियरेंस टेस्ट जो है प्रेफर किया जाता है सो इन दिस केस इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोथ्रास टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर सो रोथ्रास टेस्ट जो है दीज आर द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सो ऑप्शन आर कीटोन बॉडीज वाइल पिगमेंट्स ग्लूकोज और ब्लड सो रोथ्रास टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर कीटोन बॉडीज सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन यूरोविलिरो यूरिन यूरोविलिनोजेन इज एस्टिमेटेड सेमी क्वान्टिटेटिवली बाई विच रिएजेंट सो यूरिन यूरोविलिनोजन जो है ये आपका एस्टिमेट किया जाता है किस टेस्ट में सो इट इज इन एल रिच एल रिएजेंट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हेप्योरिक एसिड टेस्ट आर परफॉर्म फॉर हेप्योरिक एसिड टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं ऑप्शन आर डिटर्माइन रीनल फंक्शन डिटर्माइन लीवर फंक्शन और थाइरोयड फंक्शन और लिपिड प्रोफाइल सो हेपियोरिक ऐसे टेस्ट जो हैं दिज आर परफॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीवर फंक्शन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल विलिरुबिन मेटाबोलिज्म में कॉज सो अगर विलिरुविन मेटाबोलिज्म अब नॉर्मली हो रहा है सो दैट कैन कॉज विच काइंड ऑफ डिजीज सो ऑप्शन आर हेमोलाइटिक जॉन्डिस ऑब्सट्रक्टिव जॉन्डेस हिपेटिक जॉन्डेज और ऑल ऑफ द अबाव सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म के साथ कौन सा टेस्ट रिलेटेड है लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए सो ऑप्शन आर सीरम एसपार्टे ट्रांसामिनेस गेलेक्टोस टॉलरेंस टेस्ट सीरम एलानिन ट्रांसाम और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज सो द करेक्ट आंसर इज टॉलरेंस टेस्ट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड सो लिपिड टेस्ट प्रोफाइल में क्या आता है तो सीरम बिलेरुबिन ब्लड अमोनिया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल और बोथ ए एंड बी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड्स एच डी एल कोलेस्ट्रोल सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज फॉर सीरम कोलेस्ट्रोल इन यंग तो यंग अडल्ट में सीरम कोलेस्ट्रोल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है सो द नॉर्मल रेंज इज अराउंड वन फिफ्टी टू टू सेवेंटी एम पर डी

तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन ऑल दीज कंडीशंस सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडे वर्ल्ड इक्वेशन आर यूज टू मेजर फ्रेडे वर्ल्ड इक्वेशन जो है ये आपकी किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है ऑप्शन आर बेलरोबिन ब्लड शुगर एल डी एल कोलेस्ट्रोल दैट इज़ लो डेंसिटी लिपर कोलेस्ट्रोल और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर इन द करेक्ट आंसर इज एल डी एल कोलेस्ट्रोल ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कैरी आउट टू डिटेक्ट एल्बुमिन इन यूरिन यूरिन में एल्बुमिन की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट कैरी आउट किया जाता है ऑप्शन आर हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट फेलिंग्स टेस्ट रोथरास टेस्ट और वेनेडिक टेस्ट सो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट सो ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एब्सोल्यूट काउंट ऑफ लिम्फोसाइट एक्सीड्स दिस कंडीशन कॉल्ड सो जब लिम्फोसाइट का एब्सोल्यूट काउंट जो है वो एक्सीड कर जाता है सो so ये कंडीशन क्या कहलाती है सो द ऑप्शन आर लिम्फोपिनिया लिम्फोमा लिम्फोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइटोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इंक्लूड तो यूरिन के ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं तो so, इसमें सोडियम ऑगजैलिक एसिड यूरिया और ऑल ऑफ द अभाव तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यूरिया सो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेफेल्स सेफल्स की ट्रीटमेंट में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है सो द ऑप्शंस आर मर्करी सिल्वर जिंक और आर्सेनिक। सो द करेक्ट आंसर इज मर्करी ऑप्शन नंबर ए इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेफिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज एस्ट्रिंजेंट्स का यूज क्या है ऑप्शन आर स्टेप्टिक एक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन एंटी परसिपरिंग एजेंट और ऑल ऑफ द अब So, correct answer is astringents are used as as a styptic, also used as anti-inflammatory, also used as anti-persevering agents. So, option D, all of the above is correct. Next question is, which of the following is anti-flatulent, anti-spasmodic, sedative and anti-acid? So, these different uses are particular So, options are dimethadione. सिमेथिकोन सिलीकोडायन और ऑल सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सीमैथिकॉन इज यूज एज एंटी फ्लैटुलेंट एंटीपासमोडिकेल एज एंटा एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज एज अ प्रोटेक्टिव इन जी आई टी जी आई टी में एज अ प्रोटेक्टिव इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज होता है ऑप्शन आर बिस्मस सफ कार्बोनेट के

एंड एक सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट है सो द ऑप्शंस आर नेफाजोलिन टोलाजोलिन क्लोनेडिन और नन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्लोनेडिन एज इमिडाजोलिन डेरिवेटिव एंड एन सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपेवे इज अ प्रोडक्ट ऑफ सो डीपीवे जो है ये आपका किस ड्रग का प्रोडक्ट है सो ऑप्शन ए है एडनोलिन बी इज नॉन एडनोलिन सी बोथ और डी नन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एडनोलिन सो ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट कंटेन पिरीडिन रिंग इनमें से कौन सा सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट है जिसमें पिरीडिन रिंग प्रेजेंट है द ऑप्शंस आर एल पेर बूटरोल टर टर्न और नन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पेर पेरब्यूट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन है टीमोलोल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रिंग्स टीमोलोल ड्रग जो है इसमें कौन सी बेसिक रिंग जो है प्रेजेंट होती है ऑप्शन आर वन टू फाइव थाया डाजोल एंड मोरफोलिन रिंग बी इज वन टू फोर ए वन टू फाइव एंड मोरफिन ये दो रिंग्स जो ये आपकी बेसिक रिंग्स होती हैं टीमोलोल ट्रग में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल बुटामोल सेल ब्यूटामोल एंड इसका इसके सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है सो द स्टार्टिंग मटीरियल फोर सेलविटामोल सिंथेसिस इज फोर हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिन सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टीरोड न्यूक्लियस हैविंग नाइनटीन इज तो कौन सा स्टीरोयड न्यूक्लियस है जिसमें नाइनटीन कार्बन प्रेजेंट होते हैं स्टीरोड न्यूक्लियस सिंपल आपके ऐसे फोर रिंग्स फ्यूज रहती हैं इस यहाँ पे एक पेंटेन रिंग रहती है तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है स्टीरोड का अगर यहाँ पे इस स्टेरॉयड न्यूक्लियस में नाइनटीन कार्बन एटम से बना हुआ है सो तो दैट स्टीरॉयड न्यूक्लियस इज नोन एज एंड्रोस्टेन सो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्टेन फोर इन थ्री ऑन एज आई यू पी एस सी नेम ऑफ तो सो ऑप्शन आर टेस्टोस्टिरोन एस्ट्राडाइन एस्ट्रियोल और कोर्टिसोन सो टेस्टोरॉन जो रहता है हार्मोन, इसका आयू नेम रहता है सेवनटीन बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्टेन फोर इन थ्री ओन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवन बीटा ट्वेंटी वन डाई हाइड्रोक्सी प्रेगनेट फोर इन थ्री एटीन ट्वेंटी ट्राई ऑन सो ये आपका आयू नेम है ये किस ड्रग का आयु नेम है सो ऑप्शन आर एल्डोस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रोन कोलेस्ट्रोल और कोर्टिसोल सो कोर्टिसोल हॉर्मोन जो है इसका आई पी एसी नेम आपका रहता है इलेवन बीटा ट्वेंटी वन डाई हाइड्रोक्सी प्रेगनेट फोर इन थ्री एटीन ट्वेंटी ट्राइन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट इनमें से कौन सा ड्रग है सो एस्टेमिजोल सेट्रेजिन लोलाटाडिन टर्फेनाडिन सो द मेटाफोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजिन इज सेट्रीजिन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी अरेदमेटिक ड्रग क्यूनिडिन इज अ सो क्यूनिडिन जो कि आपका सिंकोना से ऑप्टेन होता है ठीक है सिंकोना से ऑप्टेन होता है यह आपका एंटी अरेदमिक ड्रग होता है एंड uh, एक और उसमें सिंकोना में आपका कंपाउंड आ जाता है क्यूनिन ठीक है सो क्यूनिन एंड क्यूनिडिन क्यूनिन आपका एंटी मलेरियल यूज होता है क्यूनिडिन एंटी एरिदमिक यूज होता है दोनों ही आपके स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स सो बेसिक डिफ्रेंसिस क्यूनिडिन इज अ प्लस स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोनियाजेड इज सिंथिसाइज फ्राम आइसोनियाजेड ट्यूबर क्रॉसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग एंड किस कंपाउंड से सिंथिसाइज होता है क्या स्टार्टिंग मटेरियल है इसका ऑप्शन सर मिथाइल एस्टर ऑफ आइसोनिकोटेनिक एंड हाइड्रोजीन ऑप्शन बी इज मिथाइलेस्टर ऑफ निकोटेनिक एसिडेंट हाइड्रोजीन ऑप्शन सी इज मिथाइलेस्टर ऑफ निकोटेनिक एसिड एंड फिनाइल हाइड्रोजीन और मिथाइलेस्टर ऑफ आइसोनिकोटेनिक

नहीं होती है सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेबोनिक एसिड हैज़ अ बीटा लेक्टम रिंग फ्यूज विद सो so, क्लेबोनिक एसिड कंपाउंड जो है इसमें बीटा लेक्टम रिंग होती है जो कि फ्यूज होती है किस कंपाउंड के साथ सो so, ऑप्शन सर थानेल सिस्टम थाया जोल, थायाजोलिडीन डायोन ऑक्साजोलीडोन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑक्साजोलीडोन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ोलिन टॉक्सिस असोशिएटेड विद सो एक्न टॉक्सीिटी जो है ये किसके साथ एसोशिएटेड है सो द ऑप्शन आर साइक्लोफोस्फोमाइड सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन मेलफेलिन और ड कारवाजीन सो द करेक्ट आंसर इज साइक्लोफोस्फोमाइड के साथ आपकी एक्लिन टॉक्सिटी साइड इफेक्ट जो है वो आपका एसोशिएटेड है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्लोरो बेंदोफिन इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फोर क्लोरो बेंदोफिन किस ड्रग का स्टार्टिंग मटेरियल है सो इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मी वेंडाजोल सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसी के साथ में हमारे आज के फिफ्टी एम सी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इन क्वेश्चंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक ये आपका सेवन डेज तक एक्टिव रहेगा इसके साथ में अगर आपको आज की वीडियो में किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो उसको आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिएगा एंड उस क्वेश्चन को अपडेट करके हम नई वीडियो में डेफिनेटली एड करेंगे एंड साथ ही इस चैनल पे एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से जो कि आपकी तेलंगाना फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग रहेगी ठीक है इट इज़ रिगार्डिंग तेलंगाना फार्मासिस्ट एंड uh, इसका एग्ज़ाम आपका थर्टियथ ऑफ नवंबर को होने वाला है सो लिमिटेड इसमें टोटल आपके टेन यूनिट्स आपके सिलेबस में, में मेंशन की गई हैं तो यूनिट वाइज हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे सो uh, so, ये नेक्स्ट मंथ से वीडियो स्टार्ट होगी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट होगी इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं इसी मंथ में जो है वो अक्टूबर में ही ऐड कर दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि कैसे ये सीरीज़ पूरी प्रोसीड होगी क्या क्या कंटेंट इसमें रहेगा कैसे कैसे सारे इसमें एम सी सारे टॉपिक से कवर किए जाएंगे सो so, वो सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ की इंट्रोडक्ट्री वीडियो में सो so, दैट्स All about this video. So, thank you very much.